नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे ट्रिबिट की तरफ से दो बेस्ट बजट ब्लूटूथ स्पीकर्स के बीच में डिटेल्ड कंपैरिजन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रिबिट के ये दोनों स्पीकर्स आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर कर रहे हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस ऑफर कर रहे हैं एंड क्या साउंड की क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं। इन दोनों स्पीकर्स में आपको कौन सा स्पीकर जो है वो बेस्ट साउंड ऑफर कर रहा है। यहाँ पे प्राइस की बात करें तो प्राइस में आपको लगभग 1000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ट्रिबिट एक्स साउंड गो का प्राइस आपको 2300 से लेकर 2500 रुपीज के नियर अबाउट देखने को मिल जाता है। वहीं स्ट्रॉन्ग बॉक्स माइक्रो का प्राइस आपको 3500 रुपीज के नियर अबाउट देखने को मिल जाता है। एंड इनके प्राइस के हिसाब से जो ये स्पेसिफिकेशंस आपको ऑफर कर रहे हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। तो इस वीडियो में अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है इन दोनों स्पीकर्स को लेकर, तो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इन दोनों स्पीकर्स की मैंने अनबॉक्सिंग डिटेल में रिव्यू वीडियो या फिर और स्पीकर्स के साथ में भी कंपैरिजन कर रखे हैं। तो अगर आप इनकी और भी वीडियो चेकआउट करना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इनका किसी और स्पीकर के साथ में कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके सजेशन पे इनका कंपैरिजन लेके आऊंगा। तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं हमारे कंपैरिजन की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों के फर्स्ट लुक एंड इम्प्रेशन की बात करें तो दोनों के ही फर्स्ट लुक एंड इम्प्रेशन काफी अच्छा है। दोनों स्पीकर आपको डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट डिजाइन के साथ में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आपको इन दोनों में से किसका डिजाइन पसंद आता है। उसके बाद बात करें इनकी बिल्ड क्वालिटी, तो दोनों ही स्पीकर में आपको काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। ट्रिबिट एक्स साउंड गो में आपको सामने की तरफ मेटालिक ग्रिल देखने को मिल जाती है एंड बाकी सारी बॉडी आपको इसमें सिलिकॉन रबड़ एंड प्लास्टिक की बनी हुई देखने को मिल जाती है। तो बिल्ड क्वालिटी आपको टॉप नॉच देखने को मिल रही है एक्स साउंड गो में। एंड स्ट्रॉन्ग बॉक्स माइक्रो में यहाँ पे आपको ये फैब्रिक लगा हुआ देखने को मिल जाता है एंड बाकी सारी बॉडी आपको प्लास्टिक एंड सिलिकॉन रबड़ की इसमें भी देखने को मिल जाती है। तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बात करें कंट्रोल बटन्स की, तो दोनों में ही आपको सेम कंट्रोल बटन्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही स्पीकर्स में आपको पावर ऑन ऑफ स्विच, ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए आपको अलग से बटन देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम रोकर देखने को मिल जाते हैं एंड इनका मल्टी फंक्शन बटन देखने को मिल जाता है कॉल एंड एंड रिसीव के लिए, सॉन्ग प्ले एंड पोज के लिए। एंड बात करें इनकी इंडिकेशन लाइट्स की, तो यहाँ पे ट्रिबिट एक्स साउंड गो में आपको दो ही इंडिकेशन लाइट्स देखने को मिलेंगी पावर ऑन ऑफ के लिए एंड ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए। वहीं माइक्रो में आपको ब्लू लाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे ये इसकी पावर एंड ब्लूटूथ को इंडिकेट करती है एंड बाकी ये सारी इसकी व्हाइट लाइट्स जो है इसकी बैटरी के स्टेटस को इंडिकेट करती है, इसके चार्ज या डिस्चार्ज को इंडिकेट करती है। एंड दोनों ही स्पीकर्स के साथ में आपको अलग तरह के स्ट्रैप देखने को मिल जाते हैं। ट्रिबिट एक्स साउंड गो में आपको ट्रेडिशनल टाइप का स्ट्रैप देखने को मिल जाता है, उसी तरह का स्ट्रैप आपको ट्रिबिट एक्स साउंड गो में देखने को मिल जाता है, जबकि स्ट्रॉन्ग बॉक्स माइक्रो में आपको इस तरह का स्ट्रैप देखने को मिल जाता है। आप कुछ इस पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप साइक्लिस्ट हैं, मोटरसाइकिल राइडर हैं एंड आपको ईयरफोन या हेडफोन्स लगाना इरिटेटिंग लगता है, उसके लिए आप स्पीकर चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए स्ट्रॉन्ग बॉक्स माइक्रो रहने वाला है। उसके बाद बात करें इनके स्पीकर ड्राइवर्स की एंड इनके स्पेसिफिकेशंस की जो ये आपको ऑफर कर रहे हैं। तो माइक्रो में आपको अप फायर स्पीकर देखने को मिलता है, जबकि आपको ट्रिबिट एक्स साउंड गो में फ्रंट डायरेक्शनल साउंड सुनने को मिलेगी। बात करें इनके ड्राइवर की, तो यहाँ पे ट्रिबिट एक्स साउंड गो में आपको 8-8 वाट के दो ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों का ही टोटल पावर आउटपुट आपको 16 वाट देखने को मिल जाता है। तो एक्स साउंड गो आपको स्टीरियो चैनल स्पीकर देखने को मिल जाता है, वहीं माइक्रो में आपको सिंगल ड्राइवर देखने को मिल जाता है जो टोटल आपके लिए 9 वाट RMS आउटपुट ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पे 2500 रुपीज में आपको 16 वाट देखने को मिल रहा है, जबकि 3500 में आपको 9 वाट RMS आउटपुट देखने को मिल रहा है। एंड एक्स साउंड गो आपको 2500 में स्टीरियो चैनल दे रहा है, वहीं आपको ट्रिबिट माइक्रो मोनो चैनल दे रहा है, बट दोनों के ही डिफरेंट यूजेस हैं एंड डिफरेंट लिसनिंग एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको ट्रिबिट एक्स साउंड गो में 7 वाट RMS ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करें बैटरी की, जो ये आपको ऑफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रिबिट एक्स साउंड गो फिर बाजी मार जाता है, क्योंकि इसमें आपको 4400 mAh की बैटरी दी गई है, जिसका बैटरी बैकअप 24 आवर का ट्रिबिट की तरफ से क्लेम किया गया है। रियल यूजेस में आपको 12 से 13 घंटे का बैटरी बैकअप बड़े आराम से निकाल के दे देगा, अगर आप इसको 100% वॉल्यूम पे भी सुनते हैं। वहीं आपको ट्रिबिट माइक्रो में 2600 mAh की बैटरी दी गई है, जिसका बैटरी बैकअप 8 घंटे का क्लेम किया गया है। मतलब आप 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेंगे, उसमें आपको कम स्पेसिफिकेशंस एंड कम बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। तो ट्रिबिट ने यहाँ पे पता नहीं क्या सोच के इसको बनाया है, जबकि आपने ट्रिबिट एक्स साउंड गो में इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशंस दी हैं, इतने पावरफुल ड्राइवर्स दिए हैं, इतनी पावरफुल बैटरी दी है, तो स्ट्रॉन्ग बॉक्स माइक्रो में आप 2600 mAh की बैटरी क्यों दे रहे हैं। साथ में इसमें 8 घंटे का बैटरी बैकअप क्लेम किया है, तो वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। रियल यूजेज में आपको इसमें 6-7 घंटे का बैटरी बैकअप बड़े आराम से देखने को मिल जाता है, 80 या 90% बोलने पे सुनते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली बैटरी बैकअप में भी ट्रिबिट
Nexon Go विनर है। बात करें चार्जिंग टाइम की, छोटी बैटरी आपको माइक्रो में देखने को मिल रही है, तो ये 3.5 घंटे में चार्ज हो जाती है 0 to 100। वहीं आपको बड़ी बैटरी Nexon Go में देखने को मिल रही है 4400 mAh की, तो उसको चार्ज करने के लिए आपको 5 घंटे का टाइम लगेगा 0 to 100। तो ये बैटरी का डिफरेंस था इन दोनों का। अभी बात करें कनेक्टिविटी, तो यहाँ पे भी Tivit Nexon Go में आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। इसमें आपको ब्लूटूथ के साथ में ऑक्स की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, जबकि स्ट्रोम बॉक्स माइक्रो में आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ देखने को मिलेगा, इसमें आपको ऑक्स की कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। एंड ब्लूटूथ वर्जन आपको दोनों ही स्पीकर्स में सेम देखने को मिल जाता है, दोनों में आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिल जाता है। दोनों की ही कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, दोनों का ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर आपके लिए ऑक्स कंपल्सरी है, आप चाहते हैं कि आपके ब्लूटूथ स्पीकर में ऑक्स की कनेक्टिविटी हो, तो वो आपको Nexon Go में देखने को मिल जाएगी। एंड दोनों स्पीकर्स में आपको टाइप सी देखने को मिल जाते हैं इनको चार्ज करने के लिए। एंड साथ ही आपको दोनों स्पीकर्स में IPX67 की सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाती है, तो दोनों स्पीकर कंप्लीटली वाटरप्रूफ हैं। साथ में दोनों स्पीकर्स में आपको TWS एंड माइक देखने को मिल जाता है, दोनों के ही माइक की क्वालिटी काफी अच्छी है। एंड दोनों स्पीकर्स में आप एक और सेम स्पीकर को पेयर कर सकते हैं। सो ये थे इनके स्पेसिफिकेशंस, अभी कर लेते हैं दोनों स्पीकर्स में सॉन्ग प्ले एंड देखते हैं कि इनकी साउंड में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, कौन सा ज्यादा अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है। तो साउंड टेस्ट सुनने के लिए अपने हेडफोन्स का यूज करें ताकि आपको साउंड का बेटर आइडिया लग सके। तो चलिए शुरू करते हैं साउंड टेस्ट एंड मैं मिलता हूं आपसे साउंड टेस्ट के बाद में। White noise, it keeps me up at night. I can't help that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay. Did you wait? Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. Ooh, ooh, I'm coming home to you. Thank you.
दोस्तों ये था इनका साउंड टेस्ट। आपको कौन सा स्पीकर बेस्ट लगा, कौन से स्पीकर की साउंड ज्यादा अच्छी लगी एंड आपके लिए कौन सा स्पीकर विनर है, माइक्रो या फिर एक्स साउंड गो। साथ ही बात करें इनकी साउंड की कि साउंड में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहला डिफरेंस है दोनों के मेट्स। ट्रिबिट एक्स साउंड गो में आपको मिड्स जो है वो बहुत ही क्लियर आ रहे हैं, क्रिस्प आ रहे हैं, आप मिड्स को क्लियर सुन सकते हैं, जबकि स्ट्रॉम माइक्रो के मिड्स जो है वो थोड़े से मडी आ रहे हैं, उतने क्लियर मिड्स नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे मिड्स में डेफिनेटली एक्स साउंड गो विनर है। हाईज में दोनों ही काफी क्लियर हैं, बट आपको स्ट्रॉम माइक्रो के हाईज थोड़े से शार्प लग सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी डिटोर्शन देखने को मिलती है माइक्रो के हाईज में, जबकि ट्रिब्यूट एक्स साउंड गो के हाईज बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर हैं। रत्ती भर भी डिटोर्शन आपको ट्रिब्यूट एक्स साउंड गो के हाईज में सुनने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हाईज में भी डेफिनेटली एक्स साउंड गो विनर है। एंड उसके बाद बात करें बेस की, तो यहाँ पे बेस का इफेक्ट जो है पंची बेस आपको एक्स साउंड गो में सुनने को मिलेगी, जबकि माइक्रो की साउंड थोड़ी सी फ्लैट करती है जब आप इसको हाई वॉल्यूम पे प्ले करते हैं, हाई वॉल्यूम पे जाके थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है माइक्रो की बेस, जबकि एक्स साउंड गो का बेस इफेक्ट हाई वॉल्यूम पे भी आपको काफी अच्छा सुनने को मिलता है। इसके हाई वॉल्यूम पे भी इसकी बेस में चेंज नहीं आता है, बेस इसकी वैसी ही रहती है जैसी आपको 40 या 50 या 60 या 70 80% वॉल्यूम पे सुनने को मिलती है। तो बेस इफेक्ट डेफिनेटली आपको ट्रिबिट एक्स साउंड गो में ज़्यादा अच्छा सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पे बेस में भी डेफिनेटली एक्स साउंड गो विनर है, जबकि हाई वॉल्यूम पे माइक्रो की बेस थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है। तो यहाँ पे बेस में ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें वोकल्स की, तो वोकल्स में दोनों ही स्पीकर सेम है, दोनों के ही वोकल्स आपको क्लिस्टर क्लियर सुनने को मिलेंगे। अगर दोनों में ही आप कोई मूवी वगैरह या कोई डायलॉग से रिलेटेड चीज़ देख रहे हैं, कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, तो आपको डायलॉग सुनने का इसमें मज़ा आ जाएगा, बहुत ही क्लियर क्रिस्प एंड बहुत ही अच्छे डायलॉग सुनने को मिलते हैं। अगर आप ऑडियो फाइल लवर हैं तो डेफिनेटली आपको प्यार हो जाएगा एक्स साउंड गो से, इतनी अच्छी साउंड सुनने को मिल रही है। बेस इफेक्ट जो है वो काफी अच्छा है, थोड़ी सी बेस आपको इसके साइज के हिसाब से उतनी ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोनों स्पीकर्स में आपको बेस रेडिएटर देखने को मिल जाते हैं, दोनों स्पीकर में आपको सिंगल बेस रेडिएटर देखने को मिल जाता है, दोनों स्पीकर्स का बेस रेडिएटर इनके सामने लगा है, तो इस हिसाब से आपको एक्स साउंड गो में काफी अच्छी बेस सुनने को मिलेगी। तो ये ओवरऑल बात करूं तो यहाँ पे डेफिनेटली एक्स साउंड गो विनर है। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू फॉर मनी कहें, अगर आपका बजट 2500 रुपीज का है एंड ट्रिबिट एक्स साउंड गो आपकी लिस्ट में है, तो आप एक्स साउंड गो को परचेज कर सकते हैं, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्पीकर है। अगर आप में से किसी ने इसको परचेज किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं का एक्सपीरियंस कैसा रहा है ट्रिबिट एक्स साउंड गो से। तो मेरे लिए तो एक्स साउंड गो विनर है, आपके लिए कौन सा विनर है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड आप क्या सोचते हैं इन स्पीकर्स के बारे में। साथ ही अगर आप इनका किसी और स्पीकर के साथ में या फिर किसी और स्पीकर का अनबॉक्सिंग या रिव्यू वीडियो या कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके सजेशन पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा या फिर डेफिनेटली लेके आऊंगा। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड आप आगे आने वाले किसी भी कंपैरिजन वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।